मरने से पहले मूर्छा हो गई और मूर्छा में मन ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जब मन वर्क नहीं कर रहा है तो वाणी वर्क कैसे करेगी बिना मन के। तो बाली ने कहा कि महाराज करोड़ों ऋषि मुनि करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय राम नाम निकले, राम नाम का स्मरण करते हुए ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, गीता कहती है केवल राम राम बोलने से भी काम नहीं करे चलेगा, मां मनुस्मरण स्मरण भी होना चाहिए। तो महाराज मेरा कितना सौभाग्य है कि आप सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो ऐसा सौभाग्य तो किसी बिरले को मिलता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फिर से प्राण दें। तो भक्त कहता है माधवो यदि निहन्ति हन्यता, अगर भगवान स्वयं मेरी हत्या करें तो बहुत अच्छी बात है, और बांधवो यदि जहाति त्यज्यता, और ये घर के परिवार के लोग बंधु बांधव रिश्तेदार यदि कहते हैं अरे ये नाकारा हो गया है बेकार हो गया है, हर समय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करता रहता, निकालो इसे घर से बाहर, किसी काम का नहीं, बस हर समय राम 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 जय जगन्नाथ करता है, कुछ काम धाम नहीं करता, घर से बाहर निकाल कर फेंको इसे। अगर हमारे परिवार वाले ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझे भ्रम होता कभी, अरे नहीं कोई तो मुझे प्यार करता ही होगा, अजी ऐसा कैसे कि कोई प्यार नहीं करता, कोई तो करता ही होगा, अब पूरा विश्वास हो गया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब स्वार्थी है। और साधवो यदि हसंति हस्यताम, और अगर ये साधु महात्मा मुझे देखकर हंसते हैं, हंसे क्यों, साधु महात्मा क्यों हंसेंगे किसी दूसरे संत को देखकर, हंसते क्यों, क्योंकि साधु भी कई प्रकार के होते हैं, ऋषि मुनि योगी ज्ञानी तपस्वी, तो योगी ज्ञानी तपस्वी भक्त को देखकर हंसते हैं। एक बार एक योगी और एक भक्त वृंदावन आ रहे थे, तो यमुना जी पड़ी, यमुना जी को क्रॉस करना था, पार जाना था, तो योगी राज ने योग शक्ति अपनी प्रकट की, और योग शक्ति के बल पर जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे ही वो यमुना जी के जल पर चलते हुए पार हो गए। भक्त ने, पुराने जमाने की बात है, 10 पैसे में नाव मंगाई और वो भी पार हो गए। तो जब दोनों दूसरे पार पहुंच गए तो योगी ने भक्त का मजाक बनाया तुम्हारे श्री कृष्ण जब एक छोटी सी ये यमुना जी को पार नहीं करवा सकते तो भवसागर से तुम्हें क्या पार कराएंगे। भक्त ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे योगीराज, मेरे श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम समझ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम 10 पैसे में हो सकता है उसके लिए मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण को कष्ट क्यों दूं? तुम देखो कि तुमने 50 वर्ष भूखे प्यासे रहकर जो योग किया, तपस्या की, और उसके बल पर तुम यमुना जी से पार हुए, तो वो जो तुमने कमाया था वो पावर कम हुई कि नहीं हुई? योगीराज ने ध्यान लगाकर देखा, अरे मेरी तो बहुत पावर कम हो गई, जरा सा यमुना पार करने के चक्कर में मैंने जो योग शक्ति का प्रयोग किया, तो मैंने जो इतने वर्ष तक भूखे प्यासे रहकर साधना की थी, योग किया था, तपस्या की थी, वो बेकार हो गई। जो काम 10 पैसे में हो सकता था उसको मैंने उसमें नष्ट कर दिया, क्योंकि देखिए तपस्या की शक्ति योग की शक्ति लिमिटेड होती है और भक्ति की शक्ति अनलिमिटेड होती है। जितनी बार आप तपस्या की शक्ति का प्रयोग करेंगे पावर कम होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। ऐसे ही एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ
तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, दोनों को प्यास लगी। तो संत ज्ञानेश्वर योग मार्गी थे, उन्होंने योग शक्ति से अपने शरीर को छोटा किया, हल्का किया, और एक कुआं था जिसमें काफी नीचे पानी था, वो कुएं के अंदर जाकर पानी पीकर बाहर आ गए। और बाहर आकर उन्होंने एक नाथ जी जो भक्त थे उनका मजाक बनाया, हमको देखो, हम तो शरीर हल्का करके छोटा करके और पानी पियाए, तुम प्यासे खड़े हो। इतने में क्या देखा एक नाथ जी ने कि वो कुएं में पानी ऊपर तक भर गया, बाहर तक निकलने लगा, चल 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 बाहर आ रहा है। तो एक नाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों कष्ट किया किसी बात को, यानी भक्त का सब कुछ योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, तो ये योगी तपस्वी ज्ञानी भक्तों का मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। तो भक्त कहता है हंसे, अरे अगर किसी को हंसी आती है हमारी किसी बात पर तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको देखकर लोग हंस रहे हैं, हंसो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि माधव स्वयं उरी कृतो माया, मैंने स्वयं ने माधव को अपना माना है, बनाया है, इसलिए कोई कुछ भी करे मैं परवाह नहीं करता। ये है निष्काम प्रेम, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, न संसार मांगे न मोक्ष मांगे, केवल उनके सुख में अपना सुख मांगे, उनकी सेवा मांगे, वो भी उनके सुख के लिए। और सेवा भी क्यों मांगे? क्योंकि सेवा ही जीव का असली स्वरूप है, दासता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीव आत्मा का असली स्वरूप ही है श्री कृष्ण का दासत्व प्राप्त करना। हम दास हैं, भगवान हमारे स्वामी है, ये नेचुरल हमारा स्वरूप है। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, चाहिए, वो भी अपने सुख के लिए, ना उनके सुख के लिए उनकी सेवा चाहना, यही जीव का अंतिम लक्ष्य है। ये लक्ष्य रखकर अगर हम साधना करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें भगवान की नित्य सेवा मिलेगी, नित्य सेवा मिलेगी। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमको आनंद देंगे, हम उस आनंद को भगवान को रिटर्न करेंगे, हमें नहीं चाहिए। गोलोक में जाने के बाद जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी और हम गोलोक पहुंच जाएंगे, भगवान हमें आनंद देंगे निष्काम प्रेम निष्काम सेवा करने से, हम वो आनंद भगवान को लौटा देंगे, महाराज हमें अपना सुख नहीं चाहिए, आपका सुख चाहिए। फिर भगवान उसे अनंत गुना करके हमें देंगे, फिर हम उनको लौटाएंगे, फिर वो हमें देंगे, फिर हम लौटाएंगे, ये कंपटीशन होता रहेगा अनंत काल तक, यही जीव का लक्ष्य है। बोलिए श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय, लाड़ी लाल की जय। Oh,